हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अभी जस्ट हम लोग एयरपोर्ट से हम लोग बाहर जा रहे हैं और अभी हम लोग सीधा जाएंगे जो थोड़ा फ्रेश होंगे। उसके बाद फिर आज संडे है, संडे के लिए आज घूमने के लिए जाएंगे सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी सिटी आज घूमेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इवनिंग टाइम में जलपाईगुड़ी जाएंगे, क्योंकि मेरा घर और मेरा दोस्त का जो घर है वो जलपाईगुड़ी में है। तो यहाँ पे बागडोरा से जाने के लिए आपको सिलीगुड़ी होके फिर जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर, मोर देन 50 किलोमीटर है ना, तो मोर देन 50 किलोमीटर फ्रॉम बागडोरा एयरपोर्ट टू जलपाईगुड़ी। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में रहेंगे। सिलीगुड़ी में ये दीपंकर का ससुराल जाएंगे ससुराल जाके सर फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी करीब 8:30 हो रहा है सुबह और हम लोग घर से निकले थे करीब 2:15 को, तो बहुत रात को निकले थे इसीलिए थोड़ा हल्का होना पड़ेगा कल निकले थे, कल कहाँ है, आज ही तो है। अरे कल रात को निकले, हाँ रात को निकले थे। तो फ्री चलो ना, अरे तुम्हारे एक टक किचु टाइम तो फ्री है तो यहाँ पे बागडोरा एयरपोर्ट में आप 1 आवर गाड़ी लेके यहाँ पे पार्किंग करेंगे तो 20 रुपीज है। कितना सस्ता है, बेंगलोर में 100 रुपीज है, माय गॉड। यो बेंगलोर में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, एयरपोर्ट में घुसोगे नहीं, अभी 150 रुपए हो गया भाई साहब, 150 रुपए बेंगलोर एयरपोर्ट में, माय गॉड कितना ज्यादा है। और यहाँ पे 20 रुपीज, हाँ वो भी एक चीज है कि वहाँ का एयरपोर्ट देखो और यहाँ पे यहाँ का एयरपोर्ट देखो। तो अभी हम लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ फ्लाईओवर बन रहा है। किस चीज का फ्लाईओवर है? अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 लेन बन रहा है, एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही यहाँ पे 4 लेन का रास्ता है। ये दिस इज टूअर्स कलकत्ता, तो यहाँ से कोलकाता जाता है सीधा, अगर रास्ता से जाएंगे तो अरे ये लोग क्या कर रहा है, योगा? अच्छा कैराटे, ओके ये लोग कैराटे सीख रहे हैं, यहाँ पे सुबह सुबह क्लास हो रहा है। और हम लोग चले हैं बहुत दिन बाद। तो यहाँ पे सिलीगुड़ी में फ्लाईओवर बन गया है, ये जो अभी एयरपोर्ट से निकलने के बाद यहाँ पे ये एग्जिट आ रहा है, आई थिंक ये नौकाघाट से आ रहा है ना, हाँ ये फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहा है, तो ये सब पहले था नहीं, अभी बन गया है। इस तरफ जो है पानी टैंकी जाता है, इस तरफ फूलबाड़ी है, इस तरफ सिलीगुड़ी है, ऊपर से भी फ्लाईओवर बना हुआ है। ये आई थिंक मेरा एक दोस्त है मेरा सोसाइटी में, वो बहुत देखने का थोड़ा मन है उसको, पहले वो सिलीगुड़ी में रहता था, अभी पूरा सिलीगुड़ी चेंज हो गया है, उसको थोड़ा देखना है। तो अभी दिस इज फॉर यू दिस ब्लॉग। तो अभी हम लोग जो अभी जस्ट प्लान किया है, अभी हम लोग सुबह से जर्नी करके आए ना रात से, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक छोटा सा लॉज या कुछ ले लेंगे, अभी जाके थोड़ा हम लोग फ्रेश हो लेंगे, फिर उसके बाद फिर 10 बजे करीब हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, पेट पे गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा फ्रेश होना ही है। तो हम लोग अभी लॉज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे छोटा कम पैसा में एक जस्ट 3-4 घंटा या 2 घंटा रहने के लिए, तो वहाँ पे रह के फिर हम लोग थोड़ा फ्रेश होके फिर निकल जाएंगे सिलीगुड़ी घूमने के लिए, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। तो अभी ये लोग गाड़ी में बैठेंगे, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा होटल थोड़ा कवर लेने के लिए। हाँ फिर तो इधर भी है, चलो एक बार जाके देखते हैं यहाँ पे जाके क्या है नहीं है, ना है 2 घंटे ही रहना है, इसके लिए कोई अच्छा वस्ता तो नहीं चाहिए, एकदम कम पैसा वाला चाहिए। तो भाई हम लोग एक रूम लिया है, दिस इज तो ये छोटा सा एक रूम लिया है 1-2 घंटे के लिए, अभी हम लोग फ्रेश होंगे। और ये जो रूम है दैट इज 700 रुपीज लिया है इसके लिए 2 घंटे के लिए, हाँ एक्टाइड रूम। तो ये बाहर है और ये एक जस्ट वॉशरूम है, चलो चंद पड़ा। हम लोग फ्रेश हो लिया है और अभी हम लोग निकल जा रहे हैं चेकआउट करके, ओनली 1 आवर हम लोग यहाँ पे थे लॉज में और करके अभी निकल जा रहे हैं।
तो ये था सिटी रेस्टोरेंट बार एंड होटल, होटल सिटी प्लाजा, यहाँ पे थे हम लोग। और ये एकदम बागडोगरा में है, ये जगह एकदम बागडोगरा के कोने में है। यहाँ से लेफ्ट जा रहा है एयरपोर्ट। इधर क्लाउडी है लेकिन बहुत ही गर्मी लग रहा है, एक मतलब ह्यूमिडिटी बहुत है। सिलीगुड़ी का रोड जो है बहुत ही बढ़िया बन गया है, यहाँ पे फोर लेन हो गया, मस्त है पूरा एकदम। एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जाने में अभी कोई दिक्कत ही नहीं होता है, इतना स्मूथ है। और हम लोग वहाँ से निकल के फिर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है दिगास नाम का, तो अभी वहाँ पे जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर डे का पूरा प्लान है, थोड़ा घूमेंगे यहाँ पे सिलीगुड़ी में, मॉल वॉल जाएंगे, थोड़ा कुछ अगर अच्छा लगे कर देंगे। फिर उसके बाद दोपहर को एक यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भूते राजा दिलोबोर, वहाँ पे जाके लंच करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा घूमेंगे, फिर वहाँ से चला जाएंगे। पर जो रोड है दैट इज मिरिक रोड, सो दार्जिलिंग मिरिक सब ये रोड से जाता है कर्सियांग हो गए। हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे फोर मेडास ये रेस्टोरेंट का नाम है। वाह, रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। तो ये नवनीता आंटी का फेवरेट जगह है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर उसके बाद चलेंगे, बट जगह जो है बहुत ही बढ़िया है, ये रेस्टोरेंट है। अभी देखते हैं अंदर में क्या क्या मिलता है। रेस्टोरेंट में बार भी है, बार के साथ ये अभी इतना सुबह सब मिलेगा, सकाले पा जाए कि हम लोग ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी लिया था, खत्म हो गया। अभी ये लोग सैंडविच खा रहा है, चीज सैंडविच एंड पनीर टिक्का सैंडविच। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट किया है, अभी जाएंगे थोड़ा मॉल में घूमने के लिए। आज संडे है, देखते हैं मॉल में कैसा भीड़ रहता है। यहाँ पे वेदर धूप नहीं है, गर्मी लग रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मॉल, जो यहाँ का जो मॉल है दैट इज कॉल्ड सिटी सेंटर। तो इसके साथ यहाँ पे उत्तरायण एक टाउनशिप भी है जो बहुत ही फेमस है। और बहुत दिन बाद, कितना साल बाद हम लोग आ रहे हैं सिटी सेंटर, भूल ही गया भाई। जब मैं यहाँ पे रहता था उस टाइम में यहाँ पे आता था, उसके बाद तो ये सिटी सेंटर का पार्किंग है यहाँ पे, और 0 to 3 hours ₹30 पार्किंग है। कितना सस्ता है, 3 घंटे के लिए ₹30, सोचो बेंगलोर में तो वो ₹300 हो जाएगा पूरा। तो ये है सिटी सेंटर हम लोग का चायचून। अभी हम लोग सिटी सेंटर से निकल गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कॉस्मोस मॉल। वहाँ पे एक चीज खाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, स्पेशली ऑक्टोपस का सब्जी,
क्या बोल सब्जी कहने बोल ऑक्टोपस खाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऑक्टोपस कारी है, ऑक्टोपस खाने जा रहा है, मैं नहीं खाता ये लोग खाएगा, तो वहीं पे जाएंगे फिर। ट्राई भी नहीं करोगे? मैं तो फर्स्ट टाइम ही खाऊंगा। नहीं, मुझे ऑक्टोपस तो पार्ट ऑफ फीस ना, इसीलिए अच्छा मीट ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करूंगा। उसके बाद जाएंगे भूतेर राजा दिलोबर, जो फेमस एक मूवी बना था उसका बेस पे यहाँ पे बना हुआ है, उसका जो एम्बियंस है पूरा वैसा ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो उसमें दिखा था हूँ कैसा क्या है, और बहुत रीजनेबल प्राइस है वहाँ पे, बढ़िया बंगाली खाना होता है, ऑथेंटिक वहाँ पे खाना मिलेगा। तो ये है कारसियांग मोड़, नहीं कारसियांग मोड़ दार्जिलिंग मोड़, तो दिस इज कॉल्ड दार्जिलिंग मोड़। यहाँ पे एक बंगला क्या बना हुआ है, विश्व बांग्ला। तो अभी हम लोग कॉस्मोस मॉल पे आ गए हैं, और ये है कॉस्मोस मॉल जो बहुत याद जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग बहुत दिन बाद यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये है कॉस्मोस मॉल, सिलीगुड़ी का आई थिंक पहला मॉल है यहाँ पे। मॉल छोटा है बट पूरा भरा हुआ है, बहुत कुछ मिलता है। वो साइड चले गए जगह। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आए, मित्रा कैफे रेस्टोरेंट जो कॉस्मोस में कोलकाता का फेमस मित्रा कॉफी ब्रांच है, और यहाँ पे हम लोग खाली ऑक्टोपस खाने के लिए आए हैं। तो ये ऑक्टोपस चिली है, चिली ऑक्टोपस, तो ये ऑक्टोपस है, सब लोग खा रहे हैं। मैं खाया था मुझे उतना अच्छा, मतलब थोड़ा प्रॉन का स्मेल आ रहा है, इसलिए मैं, क्योंकि मैं फीस नहीं खाता हूँ इसलिए वो लोगों को अच्छा लग रहा है। फीस है सब लोगों को अच्छा लगेगा, मैं फीस नहीं खाता। नवनीता यहाँ पे बैठ गई है मसाज करने के लिए, पूरा फुल बॉडी मसाज कर रहे हैं। ये 200 रुपए का चेयर है, ये 100 रुपए का चेयर है। 200 रुपए में 20 मिनट, 100 रुपए में 10 मिनट, और ये खाली बैठने का चेयर है, ये ऐसे ही खुद हिलाने का, और खुद हिलो, फ्री का चेयर है ये। हम लोग कॉस्मोस मॉल से निकल के जा रहे हैं लंच करने के लिए, ना लंच के लिए जाना है। अभी 2:20 हुआ है, भूख भी लगा हुआ है, तो अभी हम लोग सब लंच के लिए निकला है। ये विधान मार्केट ना, हांगकांग मार्केट, तो इस तरफ जो हांगकांग मार्केट है ये विधान रोड है। कोथा है ओ भूतेर राजा दिलोबर, ओ माय गॉड कत भीड़, ओ माय गॉड कितना भीड़ है यहाँ पे, शिट। हम लोग भूतेर राजा देखने गए थे, भूतेर राजा दिलोबर इतना वेटिंग है वहाँ पे, 2 आवर्स करीब, 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा। फिर बोला भाई छोड़ दो यार, जरूरत नहीं है। अभी आमेनिया बोल के एक बिरयानी हाउस है यहाँ पे, बहुत फेमस बिरयानी मिलता है, अभी वहीं पे जा रहा है। लेट्स सी, अगर क्योंकि यहाँ पे सब जगह में जा रहा है, रेस्टोरेंट में सब जगह में लाइन लगा हुआ है। अरे यार संडे के चलते यहाँ पे पूरा भीड़ है, तो अभी जा रहे हैं आमेनिया में, देखते हैं वहाँ पे अगर लंबा लाइन होगा तो कहाँ जाएंगे फिर। हाँ इडली डोसा खा के चला जाएंगे। तो हम लोग अभी घूम घूम के आए।
सब जगह हमने घूम लिया, दर दर की ठोकरे खा के अब हम पहुंच गए वही जहाँ पहले आए थे ऑक्टोपस टेस्ट करने। अब वही यहाँ के लंच कर रहे हैं और अभी 4:30 बज रहे हैं। तो हमने ये ऑर्डर किया है राइस, दाल दाल, आलू फ्राई, मटन, उधर है हांडी मटन, ये है हांडी मटन। तो यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट लंच करने के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं सिलीगुड़ी से और अभी ऑन द वे में है। अभी सिलीगुड़ी को पहचान ही नहीं पा रहा है यार, इतना रोड इतना बढ़िया हो गया है, क्या बन गया है ये रास्ते में जब एक छोटा वाला लेन था। ये देखो कुत्ता लोग चला रहे, कुत्ता लोग भोग रहा था। अरे बीच रास्ते में जा रहे भाई, भोगते भोगते आ गया। तो क्या रोड है, माय गॉड, इधर दो उधर दो, फोर लेन बना के पूरा एकदम। मतलब अभी सिलीगुड़ी टू जलपाईगुड़ी पहले मोर देन 1 आवर था, अभी आई थिंक 35-40 मिनट्स में पूरा पहुंच सकते हैं। ऐसा पूरा फुल स्पीड में, और ये लोग भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हम लोग फाटापुकुर आ गए हैं। फाटापुकुर में यहाँ पे टोल गेट बैठा हुआ है और ये हम लोग का कोका कोला का डिपो है, बहुत बड़ा डिपो है ये वाला। बहुत ही चेंज हो गया है, मैं तो देख के शौक लग रहा है, इतना चेंज है। ओह माय गॉड, मैं जब यहाँ पे था तो कुछ मतलब पूरा एकदम रोड का जो कंडीशन था, मतलब गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता था, अभी एकदम मतलब इतना अच्छा हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। जब मैं था तब वो अभी यहाँ पे हुआ नहीं था। तो अभी बहुत बारिश हो रहा है, मजा आ रहा है, इस बीच सब लोग एंजॉय कर रहे है, बोल रहे बारिश में भीगेगा। ओहो है। और ये है मेरा प्लांट जो मैंने यहाँ पे 13 साल यहाँ पे काम किया है बेंगलोर मूव होने के पहले। ये कोका कोला का प्लांट है। पूरा एकदम घेर दिए थे। तो ये है एंट्रेंस इसका। अभी हम लोग जलपाईगुड़ी टाउन में एंटर कर चुके हैं और ये जगह का नाम है क्या, मस्कलाईवाड़ी। यहाँ पे है शांतिपारा, कितना आए हैं यहाँ, कितने सारे यादें जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये सत्संग बिहार, यही से शांतिपारा। यहाँ पे मैं सब्जी खरीदने के लिए आता था, ये मार्केट है शांतिपारा मार्केट। हाँ यहाँ पे शांति नहीं है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, अभी हम लोग घर जाएंगे, तो घर में जाके थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर कल से फिर नॉर्मल रूटीन सबका स्टार्ट। मेरा आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा जर्नी हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा करता सबाई, टाटा।